ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पहले काम करते हैं, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको देखते हैं और सेंटर मास उसका क्या होगा, फिर उसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। हम दो पार्टिकल सिस्टम से शुरुआत करते हैं। हम क्या करेंगे, जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो पार्टिकल को उसको हम एक्सिस कहेंगे। हमारे पास एक पार्टिकल M1 है, एक पार्टिकल हमारे पास M2 है। अब M1 M2 हमारे पास दो पार्टिकल हो गए। ये जो दो पार्टिकल है ये आपकी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस से मतलब यहां से यहां तक इसकी दूरी है एक्स वन, मतलब इसकी वाई एक्सिस से दूरी है एक्स वन, तो एक्स वन कोऑर्डिनेट इसका होगा। एम टू की दूरी है आपकी कुछ इतनी, मतलब दो पार्टिकल एक्स वन और एक्स टू पर ओरिजिन दोनों का सेम है, मास एम वन एम टू मान रहे हैं। तो यहां से यहां तक इसका, यहां से यहां तक एक्स टू है, ये यहां से यहां तक एक्स टू है, यहां से यहां तक एक्स वन है। अब आप देखते हैं ये सी क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है। तो सेंटर मास इस सिस्टम का पॉइंट सी होगा जो एक्स डिस्टेंस पे होगा, यहां से यहां तक ये एक्स डिस्टेंस पे होगा। और ये कैसे आएगा देखिएगा, एम वन एम टू एक्स वन, एम वन की दूरी क्या है एक्स वन, इस तरीके से एम टू, एम टू की दूरी क्या है एक्स टू, और डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, यानी एक्स विल बी इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाय एम वन प्लस एम टू। यहां पर जो ये एक्स है इसको हम कह रहे हैं, अब हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, इसको हम कहेंगे मास वेटेड, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाय एम वन एम टू। ये मीन होता है ये, लेकिन इसमें वेट आपने डाला है मास। अगर आपको मीन निकालना होता जैसे एक्स वन एक्स टू का, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू कर देते, ये तो किया था। अगर आप वेटेड निकालेंगे तो मान लीजिए एम वन यहाँ रखा, एम टू इसके साथ रखा, और साथ में एम वन एम टू को जोड़ दिया टू की जगह, इसको हम कहते हैं मास वेटेड मीन एक्स वन और एक्स टू का। यदि दो पार्टिकल आपके सेम मास के, अब देखिएगा जो मैंने आपको ये बताया एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन एक्स टू बाई टू, ये आने वाला है। आप एम वन एंड एम टू को एम रख दीजिए इस केस में, आपके पास ये एक्स एक्स जो है वो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू आ जाएगा। यानी कि दो पार्टिकल जिनका इक्वल मास है उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उनके बीच में होता है। लेकिन हम इसको जनरलाइज करेंगे, अगर हमारे पास एन पार्टिकल है जैसे एम वन एम से लेकर एम एन तक, और ये स्ट्रेट लाइन में इसी तरीके से जैसे M1 है M2 है, यहाँ M3 और रख दीजिए, ऐसे M4 N Mn तक रख दीजिए, तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा M1 X1 प्लस M2 X2, कहाँ तक जाएंगे Mn Mn Xn तक, और नीचे हम मास को जोड़ देंगे सारों को। तो सिग्मा एम आई एक्स आई बाय सिग्मा एम आई आई इसमें वेरी कर रहा है 1 से लेकर N तक, बस ये समझिएगा। तो X1 से लेकर Xn तक ये डिस्टेंसेस है पार्टिकल के ओरिजिन से। जो कैपिटल एक्स आप देख रहे हैं ये मेजर किया जा रहा है, जैसे इस केस में मेजर किया गया ओरिजिन से। जो सिंबल आप सिग्मा देख पा रहे हैं ये एडिशन है, यानी ये समेशन बता रहा है, और एन पार्टिकल है यहाँ पर। और अगर आप नीचे का देखें सिग्मा एम आई कर लें तो ये टोटल एम मान सकते हैं, यानी टोटल मास सिस्टम का। अगर आपके पास एक सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे मासेस हैं, उन सब का सम है। अगर हमारे पास तीन पार्टिकल है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जब स्ट्रेट लाइन की बात थी तो अभी हमने देख लिया क्या है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई प्लेन दोनों में डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ पर ये पार्टिकल है, फिर उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। यानी कि हमने ये कहा कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स है ये वाई है। अब पहला पार्टिकल यहाँ हो सकता है, तो एक्स वन वाई वन इसका कोऑर्डिनेट दे दिया। दूसरा पार्टिकल यहाँ हो सकता है, एक्स टू वाई टू दे दिया हमने इसको। तीसरा पार्टिकल यहाँ हो सकता है, तो एक्स थ्री वाई थ्री दे दिया। ये कोऑर्डिनेट हो गए तीनों के, अभी कोऑर्डिनेट हो गए। अब सेंटर ऑफ मास कैसे होगा, अब देखिए एक्स क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, लेकिन वेटेड मीन निकालते हैं हम लोग जो सेंटर ऑफ मास होता है, तो एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री, और तीनों मास को जोड़ दिया। ऐसी वाई निकालना है तो एम वन वाई वन एम टू वाई टू एम थ्री वाई थ्री, और मासेस को जोड़ दिया। अब अगर हम यहीं पर मास को इक्वल कर दें तो आप देखें कि पहला जो है वो मास बाहर ले लीजिए, ये थ्री एम आ जाएगा, एम एम कट जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 आ जाएगा। इसी तरीके से y भी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 आ जाएगा। यानी तीन पार्टिकल जिसके इक्वल मास है, इसका मतलब अगर तीन पार्टिकल है इसको इस तरीके से जोड़िए तो इसका सेंटर ऑफ मास इस ट्रायंगल के, जो ये तीनों को जोड़ के बनाया जा रहा है, उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे होगा। कहाँ होगा, सेंट्रॉइड पे होगा। तो अगर हम
एक से लेकर एन तक पार्टिकल की बात करें और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेन में, तो सेंटर ऑफ मास उन सिस्टम का होगा सिग्मा एम आई एक्स आई एक्स कोऑर्डिनेट होगा बाय कैपिटल एम, सिग्मा एम आई वाई आई कैपिटल एम वाई का, और जेड भी होगा इसमें क्योंकि अब जब हम तीनों प्लेन लेंगे तो एम आई जेड आई बाय कैपिटल एम, जिसमें कैपिटल एम कहाँ से आ रहा है सबका सम कर दे तो आपको जो टोटल मास है सिस्टम का, और जो इंडेक्स है आप यहाँ पर लिखिए आई से लेकर एन तक चल रहा है, और किसी भी कोई भी एम आई होगा कोई आईथ पार्टिकल वन से एन के बीच में कोई भी पार्टिकल हो सकता है, और किसी भी एक का कोऑर्डिनेट एक्स एक्स आई वाई आई जेड आई से बताया जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आपने देखी एक दो तीन ये अलग अलग है, इसको एक ही नोटेशन में अगर हम कर दें पोजिशन वैक्टर के तो कैसा रहेगा। हम मानते हैं आर आई ये पोजिशन वैक्टर है किसी कोई भी आई एथ पार्टिकल एक से एन के बीच में है, और आर इसका पोजिशन वैक्टर है किसका सेंटर ऑफ मास का, तो आर कैसे लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं एक्स आई आई वाई आई जे और जेड आई के। इसी तरीके से कैपिटल आर कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स आई है कैपिटल वाई कैपिटल जेड, कैपिटल एक्स आई कैपिटल वाई जे कैपिटल जेड की, और आर फिर किस तरीके से आ जाएगा, ये तो सिंपली यहाँ से लिया है सिग्मा एम आई आर आई, क्योंकि हम अब जब ये आर ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्स तो नहीं आएगा न वाई आएगा न जेड आएगा, ये सीधा आप सिग्मा एम आर आई कर देंगे जहाँ पर आर आई है एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में इसका पोजिशन वैक्टर। अब देखिएगा कि ये जो आपने बताया है इस जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जो इकोनॉमी है एक्सप्रेशन की यहाँ पर हम वेक्टर से कैसे ले आए, कहाँ हम तीन इक्वेशन लिख रहे थे कहाँ हम एक ही इक्वेशन में ले आए। ओरिजिन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का है, जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया वो हम हमेशा अगर मान लीजिए कि जब जैसे ओरिजिन लिया था अगर हम मान लीजिए उसको सेंटर ऑफ मास लेते हैं तो सिग्मा एम आई आर आई जीरो हो जाएगा, सिग्मा एम आई आर आई आपका यहाँ पर ही जीरो हो जाएगा अगर सेंटर ऑफ मास को ही हमने ओरिजिन ले लिया तो। जैसे आप एक मीटर स्टिक की बात करें, एक रिजिड बॉडी है या फ्लाई व्हील है, ये इसमें बड़े जो पार्टिकल होते हैं बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो ये जो इक्वेशंस आपने देखी एक दो तीन या फिर वेक्टर फॉर्म में, इसलिए ये अप्लीकेबल है रिजिड बॉडी के लिए। जितने भी पार्टिकल होंगे चाहे बहुत कम लेवल पे चले जाएं बहुत छोटे लेवल पे आप एटम और मॉलिक्यूल्स लेवल पे चले जाएं, तो इसमें इतने सारे एटम मॉलिक्यूल होंगे तो इनका समेशन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि पार्टिकल की स्पेसिंग भी बहुत कम होगी बहुत छोटी होगी एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो हम क्या करेंगे कि ऐसा तो काम नहीं बन पाएगा हमारा अगर एक एक को करते रहे तो हम क्या करेंगे कि बॉडी को हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन माने मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम सब डिवाइड कर देंगे इस बॉडी को, तोड़ देंगे या विभक्त कर देंगे इस बॉडी को एन स्मॉल एलिमेंट्स में, जैसे हमने डेल्टा एम वन कहा डेल्टा एम टू कहा, ऐसे छोटे छोटे भाग में एक बॉडी को इस तरीके से अगर हमारे पास बॉडी है इसको इस भाग में डिवाइड कर देंगे। ओके, जो आईथ एलिमेंट है डेल्टा एम आई, कोई भी डेल्टा एम इसके बीच में कोई भी आईथ एलिमेंट हो सकता है, उसको हम किस तरीके से लेंगे, किसी भी एक्स वन वाई वन जेड वन पोजिशन पे हो जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, अब बन के आया कैपिटल एक्स इज सिग्मा, बस हमने डेल्टा एम ले लिया क्योंकि एक भाग में डिवाइड अलग अलग भाग में डिवाइड किया तो कोई एक आयत भाग है तो बस आई एक्स वाई जेड इस तरीके से आ जाएगा। और अब जैसे ही हम ये एन और बड़ा लेंगे बड़ा लेते चले जाएंगे तो जो देखिए जो एम आई है जो डेल्टा एम है वो छोटे से छोटा होता चला जाएगा, जितने एन हम ज़्यादा लेंगे जितने ज़्यादा पार्ट डिवाइड करेंगे उतना एम जो है वो छोटा होता चला जाएगा और ये छोटा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे जो सम है या जोड़ है कैसे डिनोट करेंगे, सिंपल सिग्मा को अगर हम छोटे लेवल पे छोटे छोटा करके जोड़ना चाहेंगे उसको हम कहेंगे इंटीग्रल, तो सिग्मा डेल्टा एम आई क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एम वो है कैपिटल एम, ऐसे सिग्मा हम डेल्टा एम आई एक्स आई का करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम हो गया, ऐसे ये वाई डी एम हो गया, ऐसे ये जेड डी एम हो गया। इसी तरीके से हम चीज़ों को छोटा करते हैं और एक रिलेवेंट इक्वेशन निकालते हैं। कैपिटल एम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये टोटल मास है बॉडी का, और जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का ना, अब क्या हो जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया आपका ये हो गया एक्स एक्स इंटू एम, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, इसको नीचे लाइए एम को तो एक्स क्या आ गया आपका, देखिए ना सिग्मा एम क्या होता है कैपिटल एम, ये एक्स है इसको हमने यही रखा,
तो ये मतलब सिग्मा एक्स कैपिटल एक्स होगा, तो सिग्मा एक्स निकालना हो तो इंटीग्रेशन डीएम के नीचे एम से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स आ जाएगा, ऐसी वाई आ जाएगा, ऐसे जेड आ जाएगा। तो जो वेक्टर एक्सप्रेशन है जो इक्विवेलेंट है इन तीन स्केलर एक्सप्रेशन जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वो है आर इक्वल टू वन बाय एम। ये देखिए वेक्टर करते ही ये बोल्ड कर दिया हमने, यानी कि ये जो आर है पोजिशन वैक्टर है, डीएम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वन बाय एम, एम पूरा टोटल मास है, यानी कि हम सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ओरिजिन पे चूज कर ले तो आर हो जाएगा, मतलब आर पोजिशन वेक्टर का एक्स वाई जेड से कितनी दूरी होगी, जीरो, क्योंकि ओरिजिन पे लिया है सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब आर डीएम आपका जीरो आएगा, ये जो आपका क्योंकि ये जीरो बन जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम आपका जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एक्स डीएम, वाई डीएम और जेड डीएम ये तीनों जीरो हो जाएंगे। अब हमको बहुत जगह पे क्या करना पड़ सकता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है सेंटर ऑफ मास होमोजीनियस बॉडीज का, जैसे रेगुलर शेप है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, रॉड्स है, तो होमोजीनियस बॉडी का मतलब ये है कि उस बॉडी में मास पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं। तो यहाँ पर हम सिमेट्री लेके आएंगे, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है इन बॉडीज का वो इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आता है, इस व्हील को सेंटर पे आएगा, ये हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सिमेट्री लेके आएंगे, बहुत हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए आप बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पर देखिए, इससे दूरी एक्स है, इससे माइनस एक्स है, इससे दूरी एक्स है, यहाँ पर डीएम है, यहाँ पर डीएम है, कैसे इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सिमेट्री से हम मानेंगे कि भाई हमारे पास एक सेंटर में उसका सेंटर ऑफ मास होगा, अगर थिन रॉड की बात करें जिसकी विड्थ और ब्रेथ, या कहें कि क्रॉस सेक्शन अगर रॉड होगा या रेडियस कहें, बहुत लेंथ से छोटा है, तो ओरिजिन अगर हम ले एकदम सेंटर पे और एक्स ले इस डायरेक्शन में जो लॉन्ग द लेंथ है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ समरी सिमेट्री से आप देखेंगे कि वही चीज़ यहाँ पर होगी। अगर ये आपका डीएम है तो ये माइनस डीएम होगा। तो हर एक डीएम के लिए जैसे मैंने कहा कि सिमेट्री में आप देखेंगे कि बिल्कुल सेंटर पे आएगा, तो हर एक को जो पेयर है डीएम है माइनस डीएम है, हर एक पेयर का जो इंटीग्रल है और फाइनली जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, वो अपने आप में जीरो होगा। तो जो पॉइंट है इसके बारे में जो बात हो रही है, फॉर द पॉइंट फॉर विच इंटीग्रल इटसेल्फ इज जीरो, इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा होमोजीनियस थिन रॉड का, वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, और ये बेसिस जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का बेसिस है उससे भी समझा जा सकता है। अब यही हम रिंग पे लगा सकते हैं, डिस्क पे लगा सकते हैं, स्फीयर पे लगा सकते हैं, और जितने भी यूनिफॉर्मली जिनमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सारी बॉडी में आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट जो जीएम डीएम छोटा सा पार्ट जो लिया है किसी एक्स वाई जेड पे, हमारे पास जरूर एक डीएम हो, एक बिल्कुल अपोजिट सिमेट्री से देखेंगे कि एक और होगा डीएम जो माइनस डीएम कह सकते हैं, या डीएम वही डीएम होगा किसी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड पे जो बिल्कुल सिमेट्रिकली इससे अपोजिट है। ओके, तो इसी कारण से जो इंटीग्रल है इसके जीरो बनेंगे, इसका मतलब जितने भी बॉडीज की मैंने अपने बात की उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर से मैच करेगा। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तीन पार्टिकल्स है अपने पास, और ये कहां पर है, ये वर्टिसेस पे है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 100 ग्राम 150 ग्राम और 200 ग्राम दिया हुआ है, हर एक साइड इक्विलेटरल का 0.5 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ट्रायंगल को इस एक्स वाई एक्सिस पे रखते हैं हम लोग, जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, जो ये शुरुआत की हमने जो ट्रायंगल का है ओ ए और बी, तीन हम पॉइंट लेते हैं इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं ये, इसको ले लेंगे चलिए 0 0, इसको ले लेंगे लगिए 0.5 और 0, और ये जो होगा इसको अभी मैं निकाल के बताता हूँ कैसे होगा। देखिएगा जो ये लेंथ आता है, हमको बेसिकली ये लेंथ निकालने के लिए हमारे पास ये हाइट होनी चाहिए, और वो हमारे पास हम जानते हैं एरिया जो होता है वो √3/4a² होता है। तो हमारे पास साइड है उससे, और हमारे पास अगर इस साइड को हम यूज़ करें तो एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया को हम हाफ जो एरिया कोई भी साइड ले लीजिए, √3/4a² है, ए स्क्वायर की जगह हम 0.5² रख देंगे तो एरिया आ जाएगा। यही होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे राइट, ऑल्टीट्यूड ये हो गई, तो इससे क्या होगा हमारे पास ये ऑल्टीट्यूड आ जाएगी, यानी कि हमारे पास ये वाला
कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तो 0 0 है, ये 0.50 है, और ये निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 0.25 मतलब बेसिकली x तो यहाँ 0.25 आ रहा है और y हमारा 0.25 रूट से आएगा, जो कि मैंने आपको कहा है यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे। अब जो मास है वो तीन आपको दिए गए हैं, ओ ए बी पे रखे हुए। सेंटर ऑफ मास एक्सेस से निकालना है m1x1 + m2x2 + m3x3 / m1 + m2 + m3। इन सारी वैल्यूज रख दीजिए, आप देखेंगे इसका x कोऑर्डिनेट आपका 5/18 आ जाएगा। इस तरीके से y रखिए, मतलब m1y1 m2y2 m3y3 / m1 + m2 + m3, इससे आपका y वाला आ जाएगा 1/3। तो ये x आ गया, y आ गया, तो सेंटर ऑफ मास इस तरीके से आएगा। ध्यान रखिएगा ये ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं है इस ट्राइंगल का, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है एक ट्रायंगुलर लेमिना का, एक ट्रायंगल, एक लेमिना। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, देखिए नैरो नैरो स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड किया गया है, और सबके सब जो है m और n के बेस, मतलब ये एक आपका हो गया, दो हो गया, इस तरीके से तीन हो गया। अब देखिए सिमेट्री से, हर एक स्ट्रिप की सिमेट्री देखिए, इन सब हर एक जो सिमेट्री को अगर लेके हम देखें तो हर एक स्ट्रिप में इसका जो सेंटर है या कहें सेंटर ऑफ मास है वो इसका मिड पॉइंट होगा। अगर हम ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि आप देख लीजिए किसी को भी इस तरीके से ज्वाइन करिए, ये बाकायदा सिमेट्री बन रही है, ये जो ट्राइंगल, ये जो पार्ट बन रहा है वो इससे सिमेट्रिक है, और इन सब पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट, हमारे पास ये मीडियन हो जाएगी, मतलब ये आप देखें ये पार्ट और ये पार्ट भी सेम है सिमेट्री से, तो ये मीडियन हो गया, पी जो है वो मिड पॉइंट है एम एन का, जो सेंटर ऑफ मास है ट्राइंगल का वो इस मीडियन पे लाया करेगा। यही हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं यदि हम इस एम क्यू की बात करें या फिर इस एन आर की बात करें। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना, एक थिन प्लेट, फ्लैट प्लेट है, इसका डिमेंशन उसको जिस तरीके से दिया हुआ है, जो मास है लेमिना का वो 3 kg है, तो शेप तो आपको खैर दिया ही हुआ है। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस को हम चूज करते हैं इस फिगर में, और जो कोऑर्डिनेट है वर्टिसेस के वो कुछ इस तरीके से एल शेप्ड है, एल शेप लेमिना है, ये बताया गया है कि भाई एल शेप लेमिना है, एल बना रहा है, तो एल शेप जो बन रहा है इसको मानिए कि 3 square है इसमें, जिसकी लेंथ जो है 1 meter है, जो मास है हर एक स्क्वायर का वो 1 kg है, मास है 1 kg 1 kg 1 kg, क्योंकि एल शेप्ड है इसको आपने, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये एल इस तरीके से है तो हम इसको क्या करें, एक ये 3 भाग में हमने देखा है इसको, जो मास है हर एक, क्योंकि 3 kg है, 3 भाग में किया तो 1 kg हो गया। लेमिना क्योंकि यूनिफॉर्म दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई लेमिना यूनिफॉर्म है, जो सेंटर ऑफ मास है C1 का या C2 का, ये C1 है, C2 है, C3, ये अलग अलग स्क्वायर हो गए। अब देखिए ये इनके ज्योमेट्रिक सेंटर्स हो जाएंगे, यानी ये इसका सेंटर। अब देखिए पहला वाला मैं इसको अगर C1 लूँ तो ये कितना है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1/2, ये 1/2, यानी कि 1/2 1/2 हो गया ये। इसी तरीके से ये कितना होगा, ये 1/2 है, ये भी हाफ, ये हाफ है, तो 1 + 1/2 यानी कि 1 + 1/2 3/2, और यहाँ पर कितना हो, ये हाफ, यहाँ से यहाँ तक हाफ। इसके लिए बात करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ पर 1 + 1 1/2 यानी कि 3/2, ये तीनों आपको पॉइंट्स मिल गए। अब हमारे पास तीनों पॉइंट मिल गए, m1 x m1 m2 m3, हमने 1 लिया है, चाहे m1 हो m2 हो m3 है, तो m1 x1 m2 x2 m3 x3, m1 y1 m2 y2 m2 y3, तीनों मास को जोड़ दीजिए, ये आपके पॉइंट आ जाएंगे, यानी कि आपका जो x और y आएगा, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ इस तरीके से आएगा। बेसिकली दिस विल बी जो पॉइंट होगा आपका सेंटर ऑफ मास का वो कुछ इस तरीके से होगा, एल शेप्स लाई ऑन लाइन ओ डी, किस लाइन पे लाई कर रहा है।